के अंदर मूल चूल व्यवस्था परिवर्तन करना है आज तक जिस तरह से मैं बार बार यही कहता हूं ऐसा क्यों है आजादी के बाद बाकी देश इतनी तरक्की कर गए भारत पिछड़ा क्यों रह गया जापान तहस नहस हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी तहस नहस हो गया था आज वो हमसे आगे निकल गए क्यों सिंगापुर को सिक्सटीज में आजादी मिली वो हमसे आगे निकल गया हम अभी भी वही बिजली पानी सड़क रोजगार इसी पे अटके हुए हैं कब होंगी हमारे देश के लोगों की जरूरतें पूरी पैसे की कमी नहीं थी पैसा तो खा गए ये लोग सब कब तक खाते रहेंगे पचहत्तर साल खराब कर दिए हम लोगों ने जब तक इस देश के एक एक बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी क्या ये देश आगे बढ़ सकता है नहीं बढ़ सकता और ये जितनी पार्टियां हैं कोई पार्टी ये कहती है कि हमें वोट दो हम आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे चुनाव में जब आते हैं पंजाब का चुनाव ले लो पंजाब के चुनाव में सुबह से शाम तक ये अकाली दल वाले मेरे को गालियां देते थे चन्नी साहब मेरे को गालियां देते थे कांग्रेस वाले मेरे को गालियां देते थे बीजेपी वाले मेरे को गालियां देते थे कोई खालिस्तानी कहता था कोई आतंकवादी कहता था कोई काला कहता था कोई कहता था कपड़े खराब है कोई कहता था बाहरी है पता नहीं कितनी गालियां दी मैंने किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोला मैं केवल और केवल जाता था मैं कहता था तुम्हारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दूंगा दिल्ली में दी है मैं अच्छे अस्पताल बनाऊंगा तुम्हारे लिए अच्छी सड़कें बनाऊंगा तुम्हारे लिए बिजली ठीक कर दूंगा हमारा केवल पॉजिटिव एजेंडा था देश को आगे ले जाने का लोगों को पसंद आया आप इस बात से सहमत हो सकते हैं क्योंकि आपने कहा कि आपका मकसद बीजेपी को बाहर रखना नहीं है लेकिन आपको व्यवस्था परिवर्तन अगर करनी है तो आम आदमी पार्टी सत्ता में आएगी तभी तो व्यवस्था परिवर्तन होगी तो अभी क्योंकि सत्ता में ज्यादातर जगह पे बीजेपी है जैसे कि जब आपने आंदोलन करते थे आप अन्य आंदोलन के समय लोकपाल आंदोलन के समय तो उस समय ज्यादातर जगह कांग्रेस थी तो ऐसा लगता था कि आप एंटी कांग्रेस हैं और आज ऐसा लगता है कि आप एंटी बीजेपी हैं तो ठीक है वो आपका मकसद वो नहीं होगा लेकिन अगर आपको व्यवस्था परिवर्तन करनी है जैसा कि आप कह रहे हैं तो बीजेपी को हराए भी ना, और आम आदमी पार्टी की सत्ता में भी ना, ये कैसे होगा हम जनता के बीच में जा रहे हैं जनता के सामने एक एजेंडा रख रहे हैं एक प्लान रख रहे हैं कि हम चाहते हैं कि देश इस तरह से तरक्की करे जनता को जहां जहां पसंद आएगा या हम समझाने में कामयाब रहेंगे कई जगह हो सकता है हम समझाने में कामयाब नहीं रहते हैं नहीं। जहां जहां हम समझाने में कामयाब रहेंगे और जनता पसंद करेगी जनता अपने आप ही सारी पार्टियों को हरा देगी और